हम लोग तीन सवारी क्यों चलते भाई? ये लिए बहाने बहुत है आपके पास, एक बहाने नहीं है बहुत है, सकता है। मेरी बात को सुनिए आप, अन्यथा मत लीजिए मेरी बात को, मैं केवल आपको समझाने के लिए रोका हूँ और आप लोगों को। ठीक है, एक मोटरसाइकिल में एक स्कूटी में आप तीन लोग चलते हो, ये ट्रैफिक के नियम के एकदम खिलाफ है, मालूम है आपको? इसका फाइन तो है, जुर्माना है। आखिर ये नियम क्यों बना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस नियम की जरूरत क्या पड़ी, क्यों तीन सवारी नहीं चलना चाहिए हमको, क्यों तीन सवारी नहीं चलना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। एक ट्रैफिक नियम में क्यों जुड़ा, आपने कभी किसी से पूछा, किसी भी ट्रैफिक पुलिस से आपने पूछा कि भैया तीन सवारी क्यों नहीं चलना चाहिए, क्यों नियम बनाया था? देखिए, ये जो टू व्हीलर है इसकी हमारी जो क्षमता है कैपेसिटी जो है वो दो लोगों से ज़्यादा की झेलने की नहीं है। ठीक है, दो लोगों से ज़्यादा की झेलने की नहीं है। जहाँ आपकी सर्विस 10 साल चलेगी है गाड़ी, वहाँ 5 साल तक रह जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, अचानक कोई गाड़ी आ जाए, अचानक आपको ब्रेक लगाना पड़े, अचानक गियर चेंज करना पड़े, आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी हादसा होगा, अगर आप तीन लोग बैठे हुए हैं तो आपकी कंट्रोलिंग नहीं रहेगी, उतनी कंट्रोलिंग आपकी अच्छी नहीं रहेगी और गाड़ी की क्षमता कैपेसिटी नहीं रहेगी, इसलिए तीन सवारी नहीं चलना चाहिए किसी भी हालत से। पहली बार गलती हुई है, आप नहीं करोगे कभी भी टू व्हीलर में, और आप प्रॉमिस कीजिए कभी भी स्कूटी में तीन सवारी नहीं चलेगी। ठीक है, आप लोग जाइए, आप कंट्रोल रहे हैं, अगली बार आप फाइन करेंगे, जुर्माना करेंगे। देखिए दोस्तों, नमस्कार, मैं विवेकानंद तिवारी, अपने यूट्यूब चैनल द ट्रैफिक कॉप विवेकानंद तिवारी में आप फिर सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ये जानते हैं, तरीके से जानते हैं कि एक टू व्हीलर पे तीन सवारी नहीं चलना है। छोटे से बच्चे से भी कोई पूछेगा तो वो बता सकता है कि हाँ, ये नियम बना हुआ है और इसके पालन न करने पे पुलिस वाले जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं लोग, इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि तीन सवारी क्यों नहीं चलना चाहिए। जब आपकी वाहन की क्षमता नहीं है, जो वाहन जो रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन में केवल दो सवारी तक अलाउ करती है, उस गाड़ी की कोई क्षमता नहीं है, उसका जो एज है, उसका सर्विस है, वो ख़त्म होगा इसमें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बैलेंस नहीं बन सकता है। आप देख सकते हैं, ये जो बैठे हुए हैं अपने दोनों बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, अगर अचानक इनको ब्रेक मारना पड़े या छोटे बच्चे बैठे हुए उनको टर्निंग करना पड़े, इनको हैंडल मोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। इनको देख सकते हैं आप, हैंडल मोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। बच्चा जो बैठा हुआ है, अचानक इनको गाड़ी मोड़ना हो तो ये काफ़ी दिक्कतें होती हैं। एक तो बैलेंस नहीं बन सकता आपकी गाड़ी का, अचानक कोई वाहन आ जाए टकरा सकती है, तो दुर्घटना की संभावना बहुत बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। इसलिए टू व्हीलर में तीन सवारी अलाउ नहीं है, तो ऐसा ना करें प्लीज़। सभी आप लोग सभी जानते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को पता है कि टू व्हीलर में तीन सवारी नहीं चलना चाहिए, फिर भी आप बार बार कई बार बहाने बता के आप तीन सवारी चलते हैं। बिल्कुल ना चलें मेरे दोस्तों। जय हिंद।